नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त बजरंग प्रजापति एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ एक और भव्य मंदिर की कहानी लेकर। आज मैं आपको बताऊंगा मोढेरा के सूर्य मंदिर के बारे में, जिसमें आज के दिन सूर्य पूजा निषेध मानी जाती है। मैं आपको यह भी बताऊंगा कि यहाँ पर सूर्य की पूजा क्यों नहीं की जाती। आपने कोणार्क सूर्य मंदिर के बारे में ज़रूर सुना होगा, लेकिन आज हम आपको बताएंगे मोढेरा सूर्य मंदिर के बारे में। यह गुजरात के पाटन नामक स्थान से 30 किलोमीटर दक्षिण की ओर मोढेरा गांव में निर्मित है। यह सूर्य मंदिर विलक्षण स्थापत्य और शिल्पकला का बेजोड़ उदाहरण है। इस मंदिर के निर्माण में जोड़ लगाने के लिए कहीं भी चूने का प्रयोग नहीं किया गया है। ईरानी शैली में बने इस मंदिर को सोलंकी वंश के राजा भीमदेव प्रथम ने 1026 ईस्वी में दो हिस्सों में बनवाया था, जिसमें पहला हिस्सा गर्भगृह का और दूसरा सभा मंडपम का है। गर्भगृह के अंदर की लंबाई 51 फुट 9 इंच और चौड़ाई 25 फुट 8 इंच है। मंदिर के सभा मंडपम में कुल 52 स्तंभ हैं। इन स्तंभों पर विभिन्न देवी देवताओं के चित्रों के अलावा रामायण और महाभारत के प्रसंगों को बेहतरीन कारीगरी के साथ दिखाया गया है। इन स्तंभों को नीचे की ओर देखने पर वह अष्टकोणाकार हैं और ऊपर की ओर देखने से वह गोल नजर आते हैं। मंदिर का निर्माण कुछ इस प्रकार किया गया था कि सूर्योदय होने पर सूर्य की पहली किरण मंदिर के गर्भगृह को रोशन करे। सभा मंडपम के आगे एक विशाल कुंड है जो सूर्य कुंड या राम कुंड के नाम से प्रसिद्ध है। सोलंकी राजा सूर्यवंशी थे और सूर्य को कुल देवता के रूप में पूजते थे, इसलिए उन्होंने अपने आद्य देवता की पूजा के लिए इस भव्य सूर्य मंदिर बनाने का निश्चय किया। इसके चलते मोढेरा के सूर्य मंदिर का निर्माण हुआ। विदेशी आक्रांताओं के हमले के क्रम में अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के दौरान मंदिर को काफी नुकसान पहुंचा। उसने मंदिर की मूर्तियों को भी तोड़ा फोड़ा, इसलिए वर्तमान समय में इस मंदिर में पूजा करना निषेध है। ऐसा माना जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने हमले के दौरान मंदिर को खंडित कर दिया था। फिलहाल इसे भारतीय पुरातत्व विभाग ने इस मंदिर को अपने संरक्षण में ले लिया है। मोढेरा के मंदिर का जिक्र कई पुराणों में किया गया है, जैसे स्कंद पुराण और ब्रह्म पुराण। इनमें कहा गया है कि प्राचीन काल में मोढेरा के आसपास का पूरा क्षेत्र धर्मरण्य के नाम से जाना जाता था। पुराणों के अनुसार ये भी बताया गया है कि भगवान श्री राम ने रावण के संहार के बाद अपने गुरु वशिष्ठ को एक ऐसा स्थान बताने के लिए कहा जहां जाकर वह आत्मशुद्धि कर सकें और ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति पा सकें। तब गुरु वशिष्ठ ने श्री राम को यहीं आने की सलाह दी थी। तो दोस्तों, ये थी मोढेरा सूर्य मंदिर की जानकारी। आशा करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। एक बार फिर मिलता हूँ एक और ऐसी ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।